आंतरिक प्रतिरोध, हैरी नाली है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बहुत सरल है। यहां पे कई बच्चे होंगे जो बहुत दूर दूर से आते होंगे, जैसे मान लिया आदित्य भाई हैं घंटा घर के आगे से आते हैं, या कोई इधर से आता मान लिया फटकिया तरफ से, ठीक है फटकिया के आगे से। तो जब भैया फटकिया आती है तो क्या करते हो बताओ जरा, फटकिया आती क्या करते हो, साइकिल हवा में उड़ा देते हो? नहीं, आप वहां पे रुक जाते हो। यानी फटकिया क्या कर रही है, आपके मार्ग को रोक रही है, आपके मार्ग में बाधा डाल रही है। यानी ऐसी फटकिया जो आदमी के मार्ग में बाधा डाल देती है आंतरिक फटकिया कहलाती है। क्या मतलब, अब यहां पे आपके मार्ग में बाधा पड़ी तो फटकिया बोल दी, उसे फाटक बोल दिया। लेकिन अगर धारा यानी करंट के मार्ग में बाधा पड़ेगी, करंट आ रहा, करंट चल रहा, पूरे में धारा बह रही, हमने बीच में आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया, धारा बहना बंद, यानी ऐसा प्रतिरोध, कैसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जो बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, यानी फाटक का काम करता, रोक देता है धारा को, क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, यानी ऐसा प्रतिरोध जो बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है भैया, लिखिए लिखिए, ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध, कैसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जो बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ऐसा प्रतिरोध जो बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ऐसा प्रतिरोध जो बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ऐसा प्रतिरोध जो बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को लिखते थे कैपिटल आर से, आंतरिक प्रतिरोध है तो छोटा आर, लेकिन इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नई लाइन से अता करके इसका फॉर्मूला, अता ई बराबर बी प्लस आई आर, अता ई बराबर बी प्लस आई आर, अतः ई बराबर बी प्लस आई आर।